तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग एक और चैलेंज फॉर एवरी वन वीडियो में। और ये मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या मैं यहीं पे था? हाँ, तो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर रहा था शायद, और मुझे याद है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सेंसिटिविटी फुल कर देनी है, अप्लाई कर देना है और रिज्यूम कर देना है। और फिर ऐसे करोगे तुम, जब ऐसे करोगे कीबोर्ड पहले किनारे लड़ाओ और या कोई फायदा नहीं। हाँ आएगा आएगा आएगा, या के देखो भाई एक ऐसे हो जाता है। लेकिन यार समझा करो, बस मेरी भावनाएं समझो, तुम बातों पे ना जाओ, बस भावनाएं समझो भाई, ऐसे हो जाता है। और अभी मैं करके दिखाऊंगा। One eternity later. चल आप पकड़ भी ले भाई। आज मैं सोच रहा हूँ चैलेंज करूँ आई शो स्पीड को। आई शो स्पीड यार एक नंबर यूट्यूबर है यार, मैं देख के उसको डर गया। पहली बार जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, और मैंने उसकी गेटिंग ओवर इट की वीडियो देखी थी। जो यहाँ से थोड़ी सेंसिटिविटी कम कर देता हूँ, बहुत है बस, डरा जाओ बस, चुप्पे से बस, ज़्यादा तेज नहीं बस। हाँ हाँ तो मैं आई शो भाई, मैंने जब, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है आई शो स्पीड। एक नंबर यूट्यूबर है भाई, क्या एक्टिंग करता है। अरे वाह वाह भाई वाह वाह, आराम। अरे भैया हराम खोर, कॉल किसका आ रहा है, रुक जाओ अभी भाई, नहीं उठा पाऊंगा, सॉरी आई एम। चल बराबर बस आखिरकार, सोफा हट जा रास्ते से, चल कुर्सी, चल सोफा। शे क्या करना चाह रहा है भाई, रुक जा, शे ऑरेंज शुगर आने तो पहले मुझे। कोई बात नहीं, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं भाई लोग, तो अब आप लोग को ये बातों के चक्कर में मैं गिर जाऊँगा। हाँ तो बस अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आ, 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 अब एग्जाम खत्म हो गया और आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश चालू रहे। मैं जिंदगी ना बर्बाद कर लूं अपनी। चल ऊपर चल, बच्चे हट जा, बच्चे क्या बताऊं मैं, बच्चे या या ये बच्चे की मनु शक्ल देख ली ना, तभी से मैं इधर से नहीं आता हूँ। अब देखना, दिखा भाई ये बच्चे की मनु शक्ल, मैं क्या बताऊँ, मनु शक्ल देख लेता हूँ मैं, यही हो जाता बच्चे की, बच्चे की जिसने मनु शक्ल देख ली उसके साथ यही होगा। तभी से मैं अब उधर से नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही से जाता हूँ। बहुत सस्ती कंपनी का माउस है भाई, बहुत सस्ती कंपनी का। अरे अरे ये कहाँ फंसा गया, यहाँ पे बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, यहाँ पे भी बैठ जा, आराम से बैठ। तू ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, मुझे पता है, तू आराम ही से ऊपर जाता है। ये जो पार्ट है ना, ये गेम का सबसे मुश्किल पार्ट है, सबसे मुश्किल पार्ट। हल्की सी गलती, हल्की सी चूक, नीचे कहीं से भी, कोई भी पत्थर हो, कहीं से भी हो, तुम नीचे जाओगे, पक्का रहेगा वो तुम्हारा कि नीचे जाना है। इसमें पता है हल्के हल्के करना है, तेज करना ही नहीं है, इसको आराम से करना है बस, घड़ा रख के आराम से बस, आराम से एकदम सीधा खड़ा रखो, यहाँ पे हथौड़ा रखो और उठ जाओ, दे यहाँ से तेज उठो और फिर यहाँ पे रख दो धीरे से घड़ा, रख दे, फिसलियो मत बस। भैया मेरे हाथ में पसीना आ रहा है यार, मैं मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। पकड़ ले, मैंने आंखें बंद कर ली थी।
अरे भैया आ जा आ जा आ जा बस। क्या हो जाएगा ये आज फिर से मुझसे पार? क्या हो जाएगा ये दूसरे पार्ट, दूसरा पार्ट अपरंपार? पकड़ ले शेर का मुंह। यार मुझे एक कहानी बतानी तुम लोग को। नहीं यार मुझे एक बहुत जरूरी कहानी सुनानी है, अभी मैं याला पार्ट पार करके तुम्हें सुनाता हूँ। शेर से मुझे याद आया। क्या हो जाएगा? हाँ बस 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 एक बार में। अरे भैया, अरे अरे अभी रुक जाओ रुक जाओ, याला पत्थर पार हो जाए फिर। आखिरकार आखिरकार, वाह वाह, अब अच्छा लग रहा है भाई। बहुत बहुत टेंशन कम हुई है। हाँ ये एक और टेंशन। हाँ तो इसको जब तक पार करते तब तक कहानी सुनाते तुम लोग को एक। तो मैं जा रहा था एक रास्ते से, मैं जा रहा था कॉलेज, अपने दोस्त को लेने जा रहा था उसके घर की तरफ। तो एक मोहल्ला है, वहाँ बहुत हरामी कुत्ते रहते हैं, बहुत हरामी कुत्ते। ओ वो कुत्ते बैठे हुए थे, मैं जा रहा था उधर से। और आ, 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 हाँ तो मैं जा रहा था, कुत्तों ने देखा एक शेर उनकी तरफ आ रहा है। और वो तुम लोग को पता है ना शेर कौन? समझ गए ना? बस हाँ, तो कुत्तों ने देखा कि एक शेर उनकी तरफ आ रहा है, तो एक कुत्ते ने भौंकना चालू करा। शेर के पास तब दो रास्ते थे, शेर के पास तब दो रास्ते थे, एक राइट मुड़ा हुआ था, एक पीछे का जा रहा था। या तो उधर मैं राइट मुड़ जाता या पीछे घूम जाता, या फिर उनका सामना करता। अब शेर क्या करेगा तुम लोग बताओ, शेर क्या करेगा? हाँ कुत्तों का सामना करेगा भाई, कुत्तों का सामना, कुत्तों का सामना। तो मैंने कहा चलो अब शेर है हम तो चला आ जाए। अच्छा मैं गया, वहाँ देखा पांच कुत्ते। मैं आगे गया, उन दोनों ने, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सोचा नहीं दौड़ाएंगे। भौंकने लगे मेरे ऊपर बहुत तेज, मैंने अब भगाने की कोशिश करी, पीछे आने लगे, मेरे पैर में चिपकने लगे, मेरे फट गई। और भाई उसके बाद मैंने गाड़ी भगाई आगे स्पीड ब्रेकर, वाह, मैंने कहा ये तो गलत सीन हो गया। उतनी देर में एक कुत्ता, मैं लेफ्ट कुत्ते को देख रहा था, तीन कुत्ते लेफ्ट मेरे थे, दो कुत्ते मेरे राइट थे, तो मैंने सोचा लेफ्ट देखता हूँ। मैंने लेफ्ट वाला पैर उठा लिया, अगर टोपी की वजह से गिराइए, अगर टोपी की वजह से गिराइए। हाँ तो मैंने लेफ्ट वाला पैर उठा लिया और देखा मेरा राइट पैर एक कुत्ते ने जकड़ लिया। अरे बाप रे भाई, लेकिन क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई को कौन कह रहा है कि इंजेक्शन लगवा के आया हूँ मैं आज? हाँ वो चीज़ अलग है, भी बताता हूँ पूरी कहानी सुनो पहले। तो देखो मुझे कुछ ना होता, पर कैसे हुआ भाई, बाहुबली को जब जे मैं कहाँ गिर गया। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं कह रहा था कि बाहुबली को कटप्पा ने कैसे मारा, पीछे से वार करके भाई, पीछे से। ये बाहर पटाखे बहुत फोड़ा इस टाइम। हाँ तो बाहुबली को कटप्पा ने पीछे से मारा भाई, पीछे से। तभी बाहुबली, ये ऊपर चढ़ जा भाई, ऊपर चढ़ जा तू, पहले इसके ऊपर चढ़ जा। हाँ तो तभी बाहुबली मरा। और वैसे ही कुत्ते ने भी वार करा एक शेर के ऊपर पीछे से, और शेर घायल। वरना शेर पाछों कुत्तों को मारता, शेर घायल हो गया इसलिए शेर को पीछे हट के भागना पड़ा। कौन कह रहा है मैं पहले ही भाग रहा था। हाँ तो अब उसके बाद मैं कॉलेज वॉलेज गया एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने। फिर मैंने देखा कि वो जब उसने पैर पे झपट्टा मारा था, वहाँ पे दो दाने निकल आए, खून नहीं निकला लेकिन दो दाने। मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने दोस्तों से कह रहा भाई लगवा लो इंजेक्शन। मैंने कहा ओके भाई तुम कह रहे हो तो लगवा लेता हूँ। फिर मैं गया वहाँ इंजेक्शन, मैंने कह रहे 350 रुपये की एक वैक्सीन। मैंने कहा अरे बाप रे, पांच वैक्सीन लगनी थी बताओ। मैंने कहा भाई तुम टेटनिस लगा दो इस टाइम, बस मैं वैक्सीन लगवा लूँगा। और मैं आज गया, 2 रुपए का पर्चा बनवाया और आराम से मैंने
फिर से गिर गया और आराम से मैंने वैक्सीन लगवा ली। और वहाँ उस वहाँ पर्चे में सिर्फ 4 ही वैक्सीन लग रही है भाई, सरकारी अस्पताल एक नंबर यार है। 2 रुपए का पर्चा बनवाओ और वैक्सीन लगवाओ। इंजेक्शन मैंने, और हाँ भाई एक बहुत ज़रूरी बात, मैं टेटनिस का इंजेक्शन लगवा के आया, कहाँ लगेगा तुम लोग को पता है। हाँ सही बात, तशरीफ में। और मैं जैसे ही आया, मैं कुछ दोस्तों के पास खड़ा वड़ा हुआ, एक दोस्त से मैं बड़े दिनों बाद मिला भाई, फौर मिलते साथ ही उसने मेरे वहां पे मार दिया। ओ मैं उछल गया भाई, तुम लोगों को तो पता ही यार टेटनिस का इंजेक्शन कितनी तेज लगता है। और यार तुम लोग सोच ही सकते हो यार फिर क्या हुआ होगा। और दर्द अभी तक है, कल मैंने सुबह लगवाया था और दर्द अभी तक है। बताओ आज रात हो गई, अगले दिन की 12 बजी है, बताओ। मन तेरा ना दिल रख दिया, मन तेरा नाम दिल रखो आखिरकार। अरे भैया वेरी गुड, अब भैया थोड़ा आराम से यहाँ पे धक्का देना, यहाँ पे नहीं मतलब आगे बात। अरे 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 यार ये ये क्या किया मैंने। अरे भैया मैं चुप्पा चुप्पा पहुंचा था। ये तीसरे पार्ट में मैं करूंगा, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तब तक लेट, टाटा बाय बाय।